हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस शेयर के बारे में, जो कि अगर मैं आज से एक मंथ पहले की बात करता हूं तो शेयर की प्राइस लगभग 200 रुपये के आसपास चल रही थी, लेकिन अचानक से गिरावट हुई शेयर में, जो कि फिलहाल 174 रुपीज़ के आसपास की प्राइस अभी मार्केट में करंट चल रही है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर डेट की बात करूँगा तो आपको इसमें 3 रुपए के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब एक गिरावट का रीज़न है, मार्केट कल पूरा डाउन था, जो कि काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक भी दोस्तों सब स्टॉक काफ़ी डाउन गए हैं, जो कि उसकी मेन रीज़न ये है कि मार्केट कल पूरा डाउन साइड ट्रेड हुआ है, पूरा दिन दोस्तों डाउन साइड में निकाल लिया है। अब इसके टारगेट की बात कर ले, देखो मैं आपको बोल दूँ क्लियरली कि 185 के आसपास का आपको शॉर्ट टर्म में टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें कम से कम 400 रुपये के आसपास का। जो भी नए इन्वेस्टर हैं वो बोल रहे हैं मेरे पास कमेंट आया था कल कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही है नहीं है, क्या करना चाहिए इसमें। देखो अगर आपके पास समय है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर समय नहीं है आपके पास तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करना, क्लियरली बोल दूँ मैं आपको। रही बात टारगेट की, शॉर्ट टाइम 185 के आसपास का आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर पिछले एक मंथ की बात करता हूँ तो आपको काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिला, लगभग 5 से 7 रुपये के आसपास का आपको उछाल देखने को मिला था। लेकिन अगर मैं डे बाय डे से बात करूँगा तो लगभग आपको 20 से 30 रुपये के आसपास का आपको जम्प देखने को मिला था पिछले एक मंथ में। धन्यवाद।